ओके तो अभी तक हम लोग जो है यहाँ पर ऐड कर पा रहे, पर अभी हम लोगों को चाहिए हमारे डायग्राम के हिसाब से अभी यहाँ पर हम लोग को रेंडर करना है, उस लिस्ट को जो है रेंडर करना है। तो वो कैसे कर सकते हैं? ओके तो उधर ऐड करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को अभी यहाँ क्या चीज़ करना है, ठीक है? तो अभी यहाँ पर हम लोग को एल आई क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्रिएट एल आई, ओके। और हम लोगों को उसमें सेट करना है इनर HTML में, ठीक है? और वो क्या क्या सेट करना है, वैल्यू सेट करना है जो हम लोग को यहाँ मिल रहा है, ठीक है? और फिर हम लोग को उसको सेट करना है क्लास, जो हम लोगों को लिस्ट ग्रुप आइटम क्लास, ताकि वो थोड़ा अच्छा वहाँ पर दिख सके। ये बूटस्ट्रैप क्लास है, लिस्ट ग्रुप आइटम क्लास, ठीक है? तो हम लोग करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग एल आई क्रिएट करेंगे सबसे पहले। तो मैं एल आई क्रिएट करता हूँ और मैं उसका यहाँ सेट कर दूँगा डॉक्यूमेंट क्रिएट एलिमेंट, वहाँ पर मैं एल आई यहाँ पास कर दूँगा, ठीक है? तो अब वो क्रिएट हो चुका है, वो एल आई पर हम लोग यहाँ सेट करेंगे एट्रीब्यूट, और उसे हम लोग पास करेंगे क्लास, और क्लास क्या होगा यहाँ पर लिस्ट ग्रुप आइटम, ठीक है? अभी हम लोग ने क्लास भी यहाँ सेट कर दिया, अब उसका इनर HTML भी हमने यहाँ सेट करते हैं। तो इनर HTML में हम लोग ये जो टू डू वैल्यू जो इधर अवेलेबल था, ठीक है? सो हम लोग इसको यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर दे देंगे। तो अभी इसको चाहिए कि यहाँ पर हम लोग इसको क्योंकि रिसेट कर दे रहे हैं, यहाँ पर हम लोगों को नहीं मिलेगा, तो बेटर ये है कि हम लोग इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ मैं, टू डू वैल्यू, ओके। और ये वैल्यू जो है मैं यहाँ पर इसमें इस वेरिएबल में स्टोर कर दूँगा, ठीक है? और इसे फिर मैं आगे यूज़ करूँगा, ठीक है? क्योंकि हम लोग यहाँ पर लास्ट में उसको ओवरराइड कर दे रहे थे, तो इसलिए वो यहाँ पर हम लोगों को नहीं मिलता, बिकॉज हम लोग इसको ओवरराइड कर दे रहे हैं यहाँ पर। तो मैं सिंपली यहाँ पर टू डू कर देता हूँ, और जब वो क्रिएट हो गया है, हमने उसको एल आई क्रिएट किया, पर ये दिखेगा नहीं, विजिबल नहीं होगा, हम लोग को इसको अपेंड करना पड़ेगा। किधर अपेंड करना पड़ेगा? हम लोगों को इस पर्टिकुलर लिस्ट ग्रुप आइटम पर, ठीक है? तो यहाँ पर इंडेक्स और जेएस में, यहाँ पर ऊपर जहाँ पर हम लोग ने फॉर्म के लिए यहाँ पर यूज़ किया है, तो यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल क्रिएट करता हूँ लिस्ट ग्रुप, ठीक है? और यहाँ पर मैं इसको करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और क्वेरी सेलेक्टर में मैं वो लिस्ट ग्रुप यहाँ पास कर दूंगा, और इस लिस्ट ग्रुप में मैं यहाँ पर अपेंड कर दूंगा वो एल आई जो यहाँ पर क्रिएट हुआ, ठीक है? तो यहाँ पर मैं सिंपली लिस्ट ग्रुप डॉट अपेंड चाइल्ड, और उसमें मैं ये एल आई पास कर दूंगा जो यहाँ पर क्रिएटेड है। तो ब्राउज़र में आता हूँ, यहाँ मैं रिफ्रेश करता हूँ, और यहाँ पर मैं टाइप करूँगा बाय मिल्क, ऐड टू पे क्लिक करूँगा, आप देख सकते हो ऐड हो गए। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर टाइप करूँगा बाय कॉफ़ी, एंटर प्रेस करूँ, आप देख सकते हैं ऐड हो रहा है, ग्रेट। तो अभी हम लोग ऐड कर पाए और यहाँ पर हम लोग उसको रेंडर भी कर पा रहे हैं, ओके। तो अभी यहाँ पर हम लोगों को चाहिए कि इसको हम लोग लोकल स्टोरेज में कैसे स्टोर रखें, तो बिकॉज अभी ये जो अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, आप देख सकते हैं गायब हो जाएगा, ठीक है? राइट, तो अभी हम लोगों को चाहिए कि ये जो अभी हम लोग यहाँ क्रिएट करके रेंडर कर पा रहे हैं, तो अभी इंपॉर्टेंट ये कि हम लोग इसको इसको हम लोग लोकल स्टोरेज में स्टोर रखें, और ताकि रिफ्रेश होने के बाद भी हम लोगों को वो वैल्यू मिल सके। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मैं बाय मिल्क जैसे ऐड कर रहा हूँ, दिख आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, तो अगर रिफ्रेश मारूँगा तो चले जाएगा, तो रिफ्रेश मारने के बाद भी वो रहना चाहिए। तो वो हम लोग जो लोकल स्टोरेज API से करेंगे, तो लोकल स्टोरेज API बिल्कुल इस तरीके से वर्क करते हैं। लोकल स्टोरेज और सेट आइटम मेथड आप कॉल करोगे अगर आपको ऐड करना है, और गेट आइटम मेथड आप यूज़ करोगे जब आपको एक्सेस करना है। सो सेट आइटम में आप यहाँ पर पहला पैरामीटर देते हो की, और दूसरा है वैल्यू। की में आपको बताना है कि वो वैल्यू कौन सा है, उसका एक बड़ी यूनिक की आपको देना पड़ता है, ताकि यूनिक की से फिर आप उसको एक्सेस कर सकते हो। की समझो मान नेम है, और वैल्यू आपको लेट सपोज देना है शोएब, तो वो स्टोर हो जाएगा। अगर अभी उसको एक्सेस करना है, तो आप यहाँ गेट आइटम वही सेम की आप दोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पर मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करके यहाँ पर कंसोल में मैं जावास्क्रिप्ट रन करता हूँ, वो है लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, वहाँ पर मुझे की देना है। लेट सपोज मैं की यहाँ पर दे देता हूँ नेम, और मुझे उसका वैल्यू यहाँ दे देता हूँ शोएब, ठीक है? और यहाँ पर मैं एंटर प्रेस करता हूँ। अब ये देखने के लिए ये स्टोर हुआ है क्या नहीं हुआ है, मैं इधर उसी यहाँ पर एप्लीकेशन टैग में आता हूँ, टैब में, और यहाँ पर लोकल स्टोरेज आप यहाँ पर आपको दिखाई देगा, राइट? मैं उधर ओपन करूँगा, इधर क्लिक करूँगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर लोकल स्टोरेज होगा की वैल्यू पेयर में, यहाँ पर वो की है नेम, और यहाँ पर वैल्यू है शोएब, ठीक है? अगर हमको उधर एक्सेस करना है, तो मैं यहाँ पर करूँगा लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और गेट आइटम में मुझे वो सेम की देना पड़ेगा जो मैंने स्टोर करने के लिए यूज़ किया था, यहाँ पर नेम था, जिसमें यहाँ पर नेम टाइप करके एंटर प्रेस करूँ, आप देख सकते हैं वैल्यू मुझे यहाँ पर
मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पर एप्लीकेशन में इसी तरीके से आप एक्सेस कर सकते हो, आप उसको सेट कर सकते हो। अगर आपको उसको रिमूव कर देना है तो सिंपली आप यहाँ पर यूज़ करें लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम, और रिमूव आइटम में भी आपको यहाँ पर की पास करना है जैसे नेम, ठीक है, और एंटर प्रेस करूँगा आप देख सकते हो रिमूव हो जाएगा, और मैं एप्लीकेशन टाइप में जाऊँगा आप देख सकते हैं अब वो यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर सेट आइटम सेट करने के लिए, गेट आइटम एक्सेस करने के लिए, और रिमूव आइटम उसको वहाँ से रिमूव कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमने जब वैल्यू क्रिएट किया है तो हम लोगों को चाहिए कि उसको हम लोग लोकल स्टोरेज में ऐड करें। तो अभी लोकल स्टोरेज में हम लोगों को किस तरीके से ऐड करना चाहिए, आप देख सकते हैं सबसे पहले तो ये एक एरेज ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख लोकल स्टोरेज में जो है आप कोई यहाँ पर एरे नहीं स्टोर कर सकते आप, यू नो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर आप लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम जो कॉल कर रहे थे, ठीक है, तो यहाँ पर की था, अगर मैं इसको यहाँ पर ऑब्जेक्ट इस तरीके से पास करूँ, ओके, और एंटर प्रेस, आप देख सकते हैं कि वो नहीं होगा बिकॉज आप एप्लीकेशन में जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, इसको आप एक्सेस नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पर इसको गेट आइटम करूँ, नेम को गेट आइटम नेम दूँ, आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर अगर अगर लेट सपोज स्ट्रिंग के बजाय कुछ भी आप यहाँ पर अगर ऐड कर रहे हो, यहाँ पर लोकल में स्टोर कर रहे हो, तो आपको स्ट्रिंगिफाई करके करना चाहिए। स्ट्रिंगिफाई मतलब ये होता है कि आप किसी भी यू नो वैल्यू को आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके स्टोर कर सकते हो। जैसे यहाँ पर उसका मेथड है जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, ओके, और यहाँ पर लेट सपोज कोई एक ऑब्जेक्ट पास करो इसके अंदर, और उसका होगा नेम, कुछ यहाँ पर होगा श्वेब, और मैं एंटर प्रेस करूँगा आप देख सकते हैं कि वो स्ट्रिंग में रिटर्न किया। अब ये जो है ये एक ऑब्जेक्ट नहीं है, ये अब स्ट्रिंग है बिकॉज उसने आपके ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। और अगर लेट सपोज ये जो वैल्यू है, अगर एक बार आप उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया है, तो आप उसको फिर अभी उसको लोकल स्टोरेज में आप स्टोर कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर सेट आइटम में ये ऑब्जेक्ट के बजाय अगर मैं इसको जेसन स्ट्रिंगिफाई करके सेट करूँ यहाँ पर, ओके, स्ट्रिंगिफाई करके मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करूँगा, अब यहाँ पर एप्लीकेशन में आते हैं आप देख सकते हैं अब वो आपको यहाँ पर यू नो नेम शो दिखाई दे रहा है, आपको ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं दिखा रहा, और इसलिए दिखा रहा है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं दिखा रहा बिकॉज आपको स्ट्रिंग है, ठीक है। तो आप स्ट्रिंग ही एज अ वैल्यू लोकल स्टोरेज में स्टोर कर सकते हो, आप कोई ऑब्जेक्ट या एरे इस तरीके से नहीं कर सकते। अभी आप लोकल स्टोरेज और गेट आइटम का एंटर दबाओगे आप देख सकते हो आपको स्ट्रिंग के फॉर्मेट में रिटर्न करेगा, ओके। तो अभी इसको कैसे एक्सेस करें बिकॉज अब तो स्ट्रिंग है, तो उसके लिए यहाँ पर मेथड है जेसन डॉट पार्स, ओके। सो जेसन डॉट पार्स में अगर आप एक गेट आइटम पास कर दोगे उसमें बीच में यहाँ पर इस तरीके से गेट आइटम से आपको वैल्यू मिला और वो वैल्यू अपने जेसन पार्स को दिया, आप देख सकते हैं अभी जो आउटपुट होगा ये एक्चुअल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सो जेसन स्ट्रिंगिफाई आपके ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए, जेसन पार्स जो आपके स्ट्रिंग को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। वो इसीलिए बिकॉज सिर्फ और सिर्फ इसी रीज़न से बिकॉज लोकल स्टोरेज में वैल्यू जो है सिर्फ स्ट्रिंग ही हो सकता है, आप एरे ऑब्जेक्ट्स नहीं स्टोर कर सकते। सो लोकल स्टोरेज के बारे में आप देख लें कैसे उसमें वर्क करना है। तो सबसे पहले हम लोग को सेट करने के लिए हमने देखा कि लोकल स्टोरेज और सेट आइटम वैल्यू है वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपली मैं उसको एक्सेस कर लेता हूँ, उसको यहाँ पर लोकल स्टोरेज सेट आइटम, और वहाँ पर हम लोग की मैं दे दूँगा टू डूज, और मैं उससे ये जो एरेज यहाँ पर मिल रहा है ये पूरा पूरा मैं उसमें ऐड कर दूँगा। तो यहाँ पर सिंपली उसको स्ट्रिंगिफाई करना पड़ेगा बिकॉज वो एक एरे है, और हमें स्ट्रिंगिफाई करके वो टू डूज में इधर पास कर दूँगा, ठीक है। मैं ब्राउज़र में आके यहाँ पर मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, यहाँ पर बाय मिल्क करके मैं ऐड टू डू पे क्लिक करूँगा, आप देख सकते हैं कि वो एरो यहाँ पर ऐड हो गया। उसी तरीके से अगर मैं बाय एग यहाँ पर ऐड कर दूँगा आप देख सकते हैं वो भी यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ग्रेट। पर अगर मैं रिफ्रेश करूँगा आप देख सकते हैं यहाँ पर से वो चले जाएगा बिकॉज हम लोग को अभी चेक करना है कि ऑन लोड पे भी हम लोग को लोकल स्टोरेज में जो वैल्यूज़ हैं वो हम लोग यहाँ रेंडर कर देना। आप देख सकते हैं रिफ्रेश करने के बाद भी ये वैल्यूज़ यहाँ पर अवेलेबल रहती हैं और हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। पर अगर जो वैल्यूज़ यहाँ पर एरे में रहती हैं ये डिस्ट्रॉय हो जाती है जब आप रिफ्रेश करते हो बिकॉज इन मेमोरी है, ये प्रोसेस नहीं करती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ये चेक करते हैं एग्जैक्टली हम लोगों को करना क्या है बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप कोड लिखते हो तो सबसे पहले सूडो कोड लिखें ताकि आपके जो आपका जो अप्रोच है वो क्लियर रहे, और फिर बाद में हम लोग सिंटैक्स पे जाएं ताकि आप लोग ना सिंटैक्स को ये चेंज गूगल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे कि चेक इफ टू डूज एग्जिस्ट इन लोकल स्टोरेज, ठीक है। सो अगर लोकल स्टोरेज में वो है तो हम लोगों को चेक करना, अगर वो है इफ़ एग्जिस्ट तो हम लोगों को एग्जिस्ट होने के बाद में हम लोग को उसको पास करना है, ठीक है, बिकॉज वो स्ट्रिंग में रहेगा, हम लोग को उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, पास टू डू, और एक बार हम लोग उसको पास कर दिए
उसके बाद में हम लोगों को जेसन स्ट्रिंगिफाई यूज़ करना है, जेसन डॉट पास यूज़ करना है पास करने के लिए। उसके बाद में हम लोगों को उस एरे जो मिलेगा उस पर लूप ओवर होना है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ लूप ओवर एरे एंड अपेंड टू द डॉम, ठीक है, एरे एंड क्रिएट एल आई एलिमेंट, क्रिएट एल आई एलिमेंट एंड अपेंड टू द डॉम। तो ये तीन चीज़ें हमें करनी है, हमें चेक करना है कि लोकल स्टोरेज में वो है या नहीं। अगर वो लोकल स्टोरेज में है तो उसे पास करके हम लोग को स्ट्रिंग से कन्वर्ट करके एरे में कन्वर्ट कर देना है, और फिर उस एरे पे लूप ओवर होके ईच इंडिविजुअल एल आई एलिमेंट को क्रिएट करना है और उसे फिर डॉम में ऐड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ये चेक करते हैं, यहाँ पर इफ़ में मैं यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ वेरिएबल बनाऊँगा मैं, ठीक है, उसका मैं नाम देता हूँ कि स्टोर्ड टू डूज, ठीक है। यहाँ पर हम लोग चेक कैसे करते हैं लोकल स्टोरेज में वैल्यू ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम और उसमें वो टू डूज यहाँ पर मैं पास कर दूँगा, ठीक है। अगर वो है या नहीं वो हम लोग यहाँ पर इफ़ स्टेटमेंट में लिख सकते हैं। इफ़ स्टेटमेंट में यहाँ पर मैं टू डूज एक इफ़ इस तरीके से लिखूँगा। तो अभी अगर जब अगर ऐसा कि आपने पास किया है जो लोकल स्टोरेज में एग्जिस्ट नहीं करता है तो नल रिटर्न करेगा। यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ कि वो है या नहीं, अगर वो है तो फिर मैं उसको यहाँ पास कर लेता हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ पास्ट स्टोर्ड टू डूस, यहाँ पर जेसन डॉट पार्स मैं यूज़ करूँगा और वो टू डूस जो था यहाँ पर स्टोर टू डूस वो मैं इसे दे दूँगा, ठीक है। अभी यहाँ पर कंसोल लॉग करके देखते हैं कि इतना हमने जो कोड लिखा है वो प्रॉपर चल रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि जब भी आप कोड लिख रहे हैं तो पूरा कोड लिखने के बाद ना टेस्ट करें। आप ईच इंडिविजुअल जितने एक मिनिमम चंक ऑफ कोड आपने लिखा है तो उसको टेस्ट करें कि एटलीस्ट वो उतना वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। सो अभी यहाँ पर मैं ब्राउज़र में आता हूँ, मैं रिफ़्रेश करता हूँ, कंसोल में आता हूँ, आप देख सकते हैं कि वो एरे दिखाई दे रहा है, ग्रेट। तो एटलीस्ट हम प्रॉपरली अभी लोकल स्टोरेज से वैल्यू एक्सेस कर रहे हैं और उसको हम लोगों को पास करके एक्चुअल एरे भी हमें मिल जा रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर बाय चीज़ इस तरीके से क्लिक कर आप देख सकते हैं दिखाई दे रहा है, मैं रिफ़्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है एक बग है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि आप वो एक ही वैल्यू यहाँ रह रहा है। तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि यहाँ पर हम लोग पास करके वैल्यू तो मिल रहा है, ठीक है, पर लोकल स्टोरेज में जब हम लोग यहाँ सेट कर रहे हैं तो सेट करने पर वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वैल्यू को ओवरराइड कर देता है, राइट। तो अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो स्टोर्ड वैल्यू हम लोग को लोकल स्टोरेज से मिल रहा है ये इस टू डूज एरे से सिंक रहे, बिकॉज ये यहाँ पर जब हम लोग लोड कर रहे हैं तो इस पर हम लोग सेट नहीं कर रहे, ठीक है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोकल स्टोरेज में जो वैल्यू है और ये इन मेमोरी जो एरे है दोनों सिंक में रहना चाहिए। तो मैं यहाँ पर सिंपली इसको टू डूज, ठीक है, इक्वल टू पास टू डूज जो यहाँ पर सेट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ ये है कि जब अपने मेमोरी में अपने टू डूज क्रिएट किया एक नया एरे, ठीक है, तो जब आप ऐड करते हो तो ये बाय चीज़ ऑब्जेक्ट उस टू डूज में ऐड हो गया, और जब यहाँ पर आप लूप ओवर होते हैं तो उसको ओवरराइड कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ कमेंट कर देता हूँ ये लाइन ऑफ कोड को, यहाँ पर मैं रिफ़्रेश करता हूँ। सो अभी जो है टू डूज़ एरे में, टू डूज़ एरे में जो है आप एक एम्प्टी एरे है, राइट, बिकॉज अगर मैं यहाँ पर टू डूज़ एंटर दब दे सकते हो एम्प्टी एरे है, क्यों, क्योंकि पर लोकल स्टोरेज में यहाँ पर आप देख सकते हैं एक वैल्यू है ऑलरेडी जिसमें वैल्यू चीज़ और कम्प्लीटेड फॉल्स है, पर टू डूज़ एरे जो इन मेमोरी है वो कम्प्लीटली एम्प्टी है। तो कहने का मकसद ये है कि लोकल स्टोरेज और ये टू डूज एरे सिंक में नहीं है, ठीक है। तो जब मैं एक नया वैल्यू इधर ऐड करता हूँ बाय मिल्क और ये एप्लीकेशन टैग में मैं आता हूँ यहाँ पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर वो चीज़ है, तो ऐड में मैं क्लिक करूँगा आप देख सकते हैं कि वो एग्जिस्टिंग वैल्यू को ओवरराइड कर दे, आप देखते हैं एग्जिस्टिंग वैल्यू ओवरराइड हो गया। क्योंकि जब आप सेट यूज़ करते हो लोकल स्टोरेज में तो जो एग्जिस्टिंग की जो होता है उसको ओवरराइड कर देता है, पहले को रिमूव कर देगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो टू डूज एरे जो इन मेमोरी में है और टू डूज जो लोकल स्टोरेज में है दोनों सिंक पर रहना चाहिए लोड करते वक्त, तो वो हम लोग मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है। सो जो टू डूज जो वैल्यू है वो मैं लोकल स्टोरेज से सिंक में यहाँ पर लेके आ जा रहा हूँ, ठीक है। अभी वो इशू नहीं आना चाहिए जो हमने पहले देखा है। ओके, सो अब मैं यहाँ पर रिफ़्रेश करता हूँ और मैं यहाँ पर मैं एक और वैल्यू ऐड करूँगा, ठीक है। तो अब वो और मैं यहाँ पर रिफ़्रेश करूँगा, अब देख सकते हैं कि अभी वो तीन वैल्यू यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो एग्जिस्टिंग वैल्यू को ओवरराइड नहीं कर रहा जैसे हमने पहले देखा। ओके, और फाइनली हम लोगों को ये एक्टिविटी परफॉर्म करना है, हमें लूप ओवर होना है एरे पे और ईच इंडिविजुअल एल आई एलिमेंट को हम लोग को उधर ऐड कर देना है, ठीक है।
तो वो करने के लिए हम लोग चाहिए तो एक मैं एक अलग फंक्शन बनाता हूँ जो एक्टिविटी ये परफॉर्म करेगा, तो वो मैं यहाँ पर लिखता हूँ फंक्शन रेंडर टू डूज़, जो कि एक टू डूज़ करके एक एरे पैरामीटर में मिलेगा, और टू डूज़ जो है ये फॉरिच होगा, ईच इंडिविजुअल उस एरे पे लूप ओवर होगा, ठीक है, और ईच इंडिविजुअल पैरामीटर में उसको टू डू मिलेगा। अभी चाहिए कि हम लोग वो उस टू डू पे एलआई क्रिएट करें और डॉम में अपेंड करें, जो हम ऑलरेडी यहाँ पर कर रहे थे, राइट। तो मैं सिंपली इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये जो वैल्यू जो हम ऑलरेडी यहाँ कर रहे थे, और मैं उसे यहाँ पेश कर दूंगा। पर ईच इंडिविजुअल टू डू वैल्यू की जगह यहाँ पर मैं देता हूँ टू डू डॉट वैल्यू, ठीक है, बिकॉज वो हम लोग ऑलरेडी कर रहे थे, सिंपली मैंने यहाँ पर कॉपी पेश किया है। अभी यहाँ पर जो हम लोगों को एक्सेस, जब हम लोग को वैल्यू मिला है, तो हम लोग उसको यहाँ कॉल कर देता हूँ मैं उस मेथड को, बिकॉज हमने सिर्फ उसको क्रिएट किया है, उसमें मैं ये जो टू डूज यहाँ जो मिल रहा था ये इसे मैं उसे पास करता हूँ, ठीक है। अब ये पास करें या ये पास करें बिल्कुल सेम है, बिकॉज अब वो सेम ही वैल्यू है इधर, ठीक है। अब मैं आके यहाँ रिफ्रेश करूँगा, आप देख सकते हो रेंडर हो जाएगा, ग्रेट। जो ये हम लोग ईच इंडिविजुअल वैल्यू पे लूप ओवर होके यहाँ पर रेंडर कर रहा है, तो अभी हम लोग जो है लोड पे भी यहाँ पर रेंडर कर पा रहे हैं। तो अभी मैं एक वैल्यू इधर ऐड करता हूँ बाय समथिंग, ठीक है, आप देख सकते हैं इधर ऐड हो गया। मैं रिफ्रेश करूँगा, आप देख सकते हैं फिर भी वो वैल्यू उधर परसिस्ट रह रहा है, ग्रेट। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसको यू नो किस तरीके से हम लोग इसको यहाँ पर डिलीट आइकन में इधर ऐड करूँगा, जिसके क्लिक के ऊपर वो रिमूव हो सकता है, और हम लोग उसको लोकल स्टोरेज से भी रिमूव करना देखेंगे। बाय गाइस।